This is an ABP Life podcast. चलती फिरती हुई आंखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। दिल को छू लेने वाला ये नायाब शेर लिखने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राणा अब इस दुनिया में नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद वह इस दुनिया से कूच कर गए। मुनव्वर राणा साहब अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। वे कहते थे, शायर की जो महबूबा होती है उसका तसव्वुर भी अलग होता है। गज़ल का मतलब महबूब से बातें करना, यही मैंने सीखा है और यही मुझे सिखाया गया है। मगर मेरी महबूब मेरी माँ है। और मुनव्वर राणा के पूरे जर्नी पर हमारे सहयोगी व्यालोक पाठक ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर के डीन प्रोफेसर सर्वेश सिंह से बातचीत की। संवाद में आइए सुनते हैं पूरी बातचीत। मुनव्वर राणा, एक बड़ा नाम, अदब के बहुत बड़े हस्ताक्षर, एक अदीब, एक बड़ा शायर हमारे बीच नहीं रहा, दिया बुझ गया। पहली प्रतिक्रिया? बिल्कुल, ये एक बहुत ही दुखद बात है, खासकर जो हमारी आधुनिक शायरी उर्दू शायरी है उसका एक बड़ा ही एक प्यारा शायर जो एक हद तक हिंदुस्तानी जड़ों से अपने को जोड़ रहा था, जुड़ा हुआ भी था, वो एक उर्दू शायरी के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। और यह इसलिए भी क्षति है कि मुनव्वर राणा एक शायद आधुनिक शायरों में से इस अर्थ में जहीन शायर थे, क्योंकि उन्होंने अरबी फारसी की जो शैली थी उसको छोड़ते हुए अवधी और खासकर जो अपनी नेटिव बोलियां थी उसमें उसके शब्दों को उर्दू शायरी में जोड़ने की कोशिश की और एक अपनी एक अलग शैली विकसित की और जिसपे उर्दू शायरान युवा पीढ़ी खासकर चल रही है। तो एक दुखद क्षण है और मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी, कि आपने कहा कि मुनव्वर राणा अपनी बोलियों भाषाओं को पिरोते थे अपनी शायरी में, वह लगातार हिंदुस्तान की जो खुशबू थी उसको पेश करते थे, जैसे तूतिये हिंद अमीर खुसरो, वह एक पंक्ति फारसी की लिखते थे और एक पंक्ति हिंदुस्तानी की। ऐसे कुछ उदाहरण सहित अगर आप हमारे पाठकों श्रोताओं को बताना चाहें तो हम जानना चाहेंगे सर आपसे। नहीं, निश्चित तौर से जो है ये मुनव्वर राणा विशेषकर जो अपना हिंदुस्तानी शैली की शायरी थी जिसमें की अवधि या हिंदी के शब्दों का वो एक नया मयार बनाते थे। और विशेषकर अगर हम देखें तो जो माँ केंद्रित उनकी कविताएं हैं वो या शायरी है, नज्म है, या अगर आप शादाब को पढ़ें जो 2014 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार उनको मिला, वो एक लैंडमार्किंग संग्रह था, कलेक्शन था उर्दू नज्मों का, शायरी का, या वो कविताएं थी जो हिंदी के आसपास, जिस तरह से हिंदी में कविताएं लिखी जा रही थी उनके आसपास आने का वो प्रयास करती हैं और लीक को तोड़ती हैं, जो खासकर लखनऊ स्कूल की शायरी थी जिसे माना जाता था कि ये एक मैखाने की शायरी है, उसे वे बदलते हैं और उसको मुद्दों से जोड़ते हैं जो जीवन के मुद्दे थे, ताल के मुद्दे थे, जो बयान के जो मुद्दे थे, वो कहते नहीं दाल नहीं बदलूंगा बयान ही बदलूंगा जी। तो वो एक बहुत ही उनके तमाम जो मापे जो शेर हैं, कविताएं हैं, नज़मे हैं, अगर आप उनको पढ़े तो उनमें ये दिखाई देता है। और इस अर्थ में अगर देखा जाए तो उर्दू शायरी में उनपे एक नए तरीके से शोध होना चाहिए। हालांकि उनकी शायरी और उनकी जो वैचारिक पृष्ठभूमि है वो बदली बाद में और उस पर एक अलग तरीके से जो है चर्चा की जा सकती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बहुत ही जहीन और बड़े शायर हैं उर्दू के। सर, मुनव्वर राणा में जो एक अदीबों वाली अकड़ थी, अकड़ बहुत पॉजिटिव टर्म में, भले ही उनमें फकीरों वाली फकीरी और दरवेशों वाला सूफियाना रंग भी था, लेकिन वही कहते हैं कि बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना,
आप आसान समझते हैं मुनव्वर होना, और वहीं पर जब वो वतन परस्ती की बात करते हैं तो कहते हैं कि मदीने तक में हमने मुल्क की खातिर दुआ मांगी, किसी से पूछ लो इसको वतन का दर्द कहते हैं। लेकिन बाद में उनके साथ कुछ विवाद भी जुड़े, उनको राजनैतिक व्यक्ति भी कहा गया। उनके व्यक्तित्व के इस पहलू को, इस कहें कि विरोधाभास को आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर से ये बेहद, मैंने जैसा पहले ही कहा कि वैचारिकी में जिस तरह से उन्हें बदलाव हुआ है वो उनको, उनकी शायरी को कमजोर बनाती है। और खासकर अगर आप देखें तो फ्रांस में जो चार्ली एब्दो पत्रिका में पैगंबर साहब का जो एक कार्टून प्रकाशित हुआ था, और उसके बाद जिस तरह से गला काट के हत्याएं हुई थी, और जिस तरह से मुनव्वर राणा ने खुलेआम उस चीज का समर्थन किया था और ये भी कहा था कि अगर मैं भी होता तो शायद यही करता, बल्कि यही ही करता। इतना ही नहीं, तालिबान को जिस तरह से उन्होंने जस्टिफाई किया और उन्हें देश के लिए लड़ने वाला एक जो है क्या कहते हैं कॉमरेड घोषित किया, और यहाँ तक कि उस पूरे के पूरे फिनोमेना की तुलना उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से जोड़ी और कहा कि वे भी तो डाकू थे और एक तरह से तालिबानी थे। तो ये मदीने का जो अवचेतन है, खासकर जो इस्लामी शायरी में ये अट्रैक्शन है उस चीज के प्रति, ये मुनव्वर राणा तो बड़ा ही एक अलग सा, मैं कहूँ तो विवादित सा एक नेचर और करेक्टर बनाता है उनका। ये इतना ही नहीं बल्कि ये मसला इतना आगे बढ़ा कि उन्हें 2014 के बाद जिस तरह से देश में राजनीतिक परिवर्तन हुए उसमें वे एक अपने स्टैंड को, अपनी अपनी पोजीशनिंग को वहां तक ले गए कि जहाँ पे, मतलब मैं अगर कहूँ तो उन्हें एक तरह का राष्ट्र विरोधी शब्द बहुत बड़ा है, लेकिन हाँ, आप अगर कवि मिजाज हैं और शायर हैं तो जाहिर सी बात है कि किसी भी राजनीतिक परिवर्तन से, राजनीतिक बदलाव से आपको उसका विश्लेषण करना चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए। लेकिन मुनव्वर ने शायद अपने आप को उस 1947 के पहले वाली उस लीगी परंपरा से जोड़ लिया, जो या जुड़ना मतलब जुड़ने की एक चेतना विकसित कर ली जो उसी तरह से व्यवहार उस समय 47 के पहले कर रही थी, और ठीक वही चेतना मुनव्वर राणा में 2014 के बाद आती है। इस चेतना का भी एक गंभीर विश्लेषण करना चाहिए, उसके माध्यम से उर्दू जो शायरी है, जो शायरान हैं, जो उर्दू के अदबी हैं, उन्हें इस पर विचार करना चाहिए कि क्या उसमें संशोधन की जरूरत नहीं है क्या। एक आखिरी सवाल सर, आपने जिस चेतना की बात कही उसको वो कहते हैं कि वह इस मुल्क के अल्पसंख्यकों का दर्द बयान करते हैं, क्योंकि वह ये भी लिखते हैं कि बस इतनी सी बात पर उसने हमें बलवाई लिखा है, हमारे घर के बर्तन पे ISI लिखा है, और वह सियासत की बात करते हैं, और सियासत की बात आप जब भी करेंगे तो दो पक्ष होंगे ही, पक्ष और विपक्ष, और इस वजह से। लेकिन इन सब के बावजूद वह एक बड़े शायर थे, बड़े अदीब थे, बड़े कलमकार थे, और सबसे बढ़कर माँ के बारे में उन्होंने जो लिखा है, हालांकि उस पर भी एक विवाद उन पर हुआ कि उन्होंने सोनिया गांधी पर एक बहुत बड़ी गजल लिखी थी और वह बहुत पॉपुलर भी हुई, लेकिन इन सब के बावजूद मुनव्वर राणा का पूरा समग्र आकलन जब आप करते हैं तो क्या पाते हैं? तो कोई शक नहीं, एक बहुत बड़ा शायर है वो, हमारे समय का उर्दू शायरी का, उर्दू कविता का, पोएट्री का बहुत बड़ा शायर है, और सबसे बड़ी बात है कि शुद्ध शायर है। उसने उस तरह की सोनिया गांधी पर लिखी नज़मों को छोड़ दिया जाए तो उस तरह से जो पॉपुलरिटी गेन करने, जो क्षणिक रूप से जो लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास करते हैं, मुनव्वर दरअसल एक अलग तरीके से उर्दू पोएट्री में कुछ, उर्दू कविता में कुछ सुधार करना चाहते थे, उसमें बदलाव करना चाहते थे, और उन्होंने किया। खासकर माँ की, माँ पर जो नज़में हैं वो बेमिसाल नज़में हैं, ऐसी नज़में लिखने के लिए मतलब लोग तरसते होंगे किसी भी कविता में। तो इसमें मेरे मन में कोई शक नहीं है कि उर्दू शायरी के लिए वो एक बहुत ही एक लाजवाब जो है कलम है। लेकिन फिर वही बात कि वो शायरी अगर थोड़ी एक लोकतांत्रिक जो वैचारिकी है अगर उससे भी लैस होती तो शायद मुनव्वर राणा इस देश के
शान होते और शायद वो दूसरी कविताओं के लिए भी, दूसरी भाषा की कविताओं के लिए भी एक आइडियल होते, जिस तरह से कैफी आजमी है या कुछ और शायर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे विस्तार से बात की इसके लिए, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद यादव जी, धन्यवाद। दिस इज एन ABP लाइव पॉडकास्ट।